नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा अपडेट आ रहा है और मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर अपडेट का निफ्टी पे कितना वेटेज पड़ेगा। तो निफ्टी पे जो वेटेज पड़ने वाला है वो तकरीबन 12.5% के पास पड़ने वाला है। यानी कि ये अपडेट सीधा फ्रैंकली देखिएगा इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड खबर है और आईटी सेक्टर का जो निफ्टी में सपोर्ट है, निफ्टी में जो वेटेज है वो है तकरीबन सेकेंड हाईएस्ट 12.65%। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में है। पहले तो आपको ये जानना है सबसे ज़्यादा है निफ्टी बैंक में, जो कि आज स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था, इसलिए मार्केट ने एक अच्छा हाई बनाया। और आपको पता है सबसे ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है 12.65%। तो आप देख सकते हैं आईटी जो एक देखिएगा शांत थी एक समय की, कोविड के बाद देखिएगा कोई भी आईटी स्टॉक आप देखिएगा एग्जाम से पहले या फिर रिजल्ट से पहले क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे तो आपको आराम से 4-5% के रिटर्न मिलते थे। लेकिन अब कई सालों से, यानी कि कई क्वार्टर हो चुके हैं जब से महंगाई बढ़ी है, तब से ये होता है कि आईटी स्टॉक से लोग बचना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, इस कारण से देखिएगा पेन आता है। तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ना तो रिलायंस की परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा देखिएगा श्योर है मार्केट, और अब यहाँ तो रियलिटी वेकअप टू द रियलिटी पे आ चुका है बात, कि आपको एग्जैक्टली रिलायंस के भी देखिएगा कल इम्पैक्ट है, वीक परफॉर्मेंस का देखिएगा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आईटी में तो 8% का गैप डाउन है। 8% का गैप डाउन, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके देखिएगा पसंदीदा टॉप देखिएगा आईटी के, निफ्टी के टॉप बादशाह, और आपको पता है आईटी के टॉप बादशाह जिनका एक्सपेक्टेशन ही किया जा रहा था कि ये सबसे अच्छे क्वार्टर देने वाले हैं। एस्टिमेट बहुत हाई थे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने एकदम शॉक कर दिया है। इन्होंने कह दिया है FY24 का जो रेवेन्यू गाइडेंस आया है वो इन्होंने ट्रिम कर दिया है 1% से 3.5% तक। ये देखिए, आप देखिए, खुद देखिए, रेवेन्यू गाइडेंस को ही इन्होंने ट्रिम कर दिया, यानी पहले से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया ये तो खराब हो ही रहा है, ये क्वार्टर तो खराब हो ही रहा है, आगे भी हमसे एक्सपेक्टेशन मत करना, आगे भी हमसे किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन मत करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे बहुत ही रेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही रेयर यहाँ पे आपको अपटिक देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब से रिजल्ट आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जब से रिजल्ट आए हैं, तो आपको पता है इन्फोसिस का ADR भी है जो देखिएगा अमेरिका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखिएगा लिस्टेड है। और आपको पता है यहाँ पे तो मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ पे मार्केट ओपन है। 29 मिनट पहले अपडेट आई है, जस्ट 29 मिनट्स पहले, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, 29 मिनट पहले अपडेट आई है और वहाँ का ADR खुलने जा रहा है। देखिएगा खुलने जा रहा है और खुलेगा, देखिएगा ये चेकआउट करिए, 8.47% का गैप डाउन, जस्ट ऐसे गाइडेंस के बाद, जस्ट ऐसे रेवेन्यू के बाद, जस्ट ऐसे मार्जिन के बाद, आप समझ सकते हो कि रिजल्ट कितने ख़राब आए। और पिछली बार भी सेम ऐसा हुआ था, लेकिन पिछली बार खुलने के बाद 13% तक की गिरावट हुई थी, 13% तक की गिरावट हुई थी, और अगले दिन निफ्टी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था, आईटी एकदम क्रैश हो गया था। और आईटी क्रैश हुआ था तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर के लेवल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद, चूँकि रिजल्ट बहुत ख़राब है। आप देख सकते हो ये अपडेट कितने मिनट पहले आई है, जस्ट देखिएगा अपडेट आई है और ये आपको देखने को मिल रहा है। जो गाइडेंस है वो इतनी ज़्यादा शार्पली ट्रिम कर दी है इन्होंने कि सारा मूड ख़राब कर दिया है, पूरी तरीके से सारा मूड ख़राब कर दिया है। आप देख सकते हो पहले ये क्या था, 4-7% का था, मतलब ये ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन क्या था, 4-7% था, और अब इन्होंने क्या कर दिया है, 1-3.5%।
1-3.5% कर दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से ADR इस तरीके से क्रैश हुआ है, पूरी तरीके से प्री मार्केट सेशन में आप समझ सकते हो। कल इसका इम्पैक्ट अभी तक इंडियन मार्केट पे नहीं आया है और ये आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में एज सच कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा आपको देखने में मिलेगा। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगी ये अपडेट, देखिएगा निफ्टी 50 को, तो निफ्टी 50 को सीधा देखिएगा, कल आपको फोकस करना है क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।